नमक वगैरह ठीक है ना? ओ। स्टेशन जाने की बात से ही गोविंद डर जाता था। एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? कि सर वहाँ पर है। वैसे सर आप यहाँ है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा? रुक रुक रुक, सुबह नहाया था क्या? पार्वती जी, मैंने सुबह नहा लिया था। सर मामला इतना मामूली नहीं है। जिन जिन गुंडों को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है, और हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। कुट्टुम भाई, दो चाय लाना। सुंदर, चाय लेकर आओ। आपको लाने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, यहाँ का एक्शन मिस नहीं करना चाहता। उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें ही होंगी। आप जाके आइए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। उस आदमी का नाम बताना जिसके बाल लंबे हैं। वो लंबे बाल वाला, उसका नाम रजाक है, बेंगलुरु का रहने वाला है। हम जो भी कहेंगे वो करेगा। 10 साल से इस आदमी के साथ कौन कौन है? 5 सालों से? 1 साल से? छुपने से कुछ नहीं होगा, सामने आ। कितने सालों से इनके साथ है? 12 साल हो गए सर। यही बात तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था। सर सॉरी कुटुंब भाई। क्या बात है अप्पू, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? वो अप्पू के हाथ नहीं लगा इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा। तुमने उसे अपने घर रख के बचाया था ना, सच बताना। इतने आदमियों के साथ आना ये कोई अकलमंदी नहीं है, ये सोचने के लिए दिमाग चाहिए, और वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं। उस दिन सिग्नल पे मारे जाने वाले जयस का भाई कौन है? मैं हूं सर। और जो मार्केट में मरा उसका बड़ा भाई कौन है? मैं। लिस्ट और भी लंबी है। तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस तरफ है, और तुम्हारे दोस्त को जिन्होंने मिलके मारा है वो इस तरफ है। ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा, और इनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे इसी का बदला लेंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचो। यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोज पिलाने के लिए भी घर के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा। अगर ये इस घोटाले में दोबारा दिखा तो उसकी जगह तू पिटेगा। दोस्तों, अब हमारे सामने बात करने के लिए आ रहे हैं AICP पार्टी के नेता और एडवोकेट श्री लक्ष्मण जी। मेरे साथियों,
मैं आपके सामने आज अपना एक नया रूप सामने रखकर बात करना चाहूंगा, खास करके इस धरती और इस धरती से जुड़े इंसानों के बारे में। मैं जहां खड़ा हूं वही मेरी धरती है। दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रवासन नहीं हो रहा। इस धरती को हड़पने के लिए और छीनने के लिए जो झूठा कानून बनाया गया वो है प्रवासन कानून। जो बाढ़ हमने बांध कर रखी है वो सिर्फ धरती पर ही नहीं, हम इंसानों के दिलों पर भी है। आपको याद होगा वो छोटा सा नंजनगोड़ गांव जहां तमिलनाडु और केरल के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। ऐसे भेदभाव के बारे में इन्हें नहीं पता था, फिर भी मेहनत करके काम करके सालों साल नंजनगोड़ के लोग जी रहे थे। और ऐसे ही तमिल लोगों पर DYP पार्टी के लोगों ने प्रवासन के नाम पर धब्बा लगा दिया है। उन्होंने परिमल जी की प्रतिमा को भी तोड़ डाला, घर बच्चे परिवार और जिंदगी सब कुछ नष्ट कर दिया। DYP पार्टी के लोगों ने इन्हें झोपड़पट्टी में नदी के किनारे, गंदी सड़क के किनारे ऐसी जगह फेंक दिया जो इंसान के जीने लायक नहीं है। जाते हुए लोगों को इंसानियत छोड़कर तमाशे की तरह देखने वाले हैं DYP पार्टी का प्रेसिडेंट अमरनाथ। इंदिरा एस्टेट और परिमल कॉलोनी को भी हड़पने के लिए खूंखार गुंडों का इस्तेमाल किया गया और इन अत्याचारी क्रिमिनल्स को पालने वाला था अमरनाथ। अपने सारे गुनाहों को सबसे छुपाने के लिए अपने मामा विजयनंद को MP के रूप में वही लेकर आया था और अपने खुद के भाई अप्पू नाम के जहरीले सांप को अमरनाथ ने आने वाले इलेक्शन में विजयनंद के बदले DY पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। नंजई कोटे में DYP के इस खून खराबे में लोकल लोगों ने बाहर के लोगों के साथ मिलकर हथियारों का कारोबार शुरू किया और खून खराबा किया। अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। झोपड़पट्टी के गंदे नालों में रहने वाले अपने तमिल लोगों से मैं लक्ष्मण वादा करता हूँ कि उन लोगों को इस नंजई कोटे में वापस लाकर उनका हक दिलाऊंगा। DYP के झूठे वादों को AICP पार्टी टक्कर देगी। बड़े बड़े सवाल और छोटे छोटे दबावों के साथ अमरनाथ के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। और आप में आवाज उठाने की हिम्मत है तो मैं एडवोकेट लक्ष्मण आपको बता रहा हूँ कि हमारी इस धरती के इंसानों को डराने और मारने के लिए आगे ये हरगिज नहीं होने देगा। बंद कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। ये सिर्फ लक्ष्मण की चेतावनी नहीं है, AICP आज आपको मौका दे रही है। ये नंजई कोटे का अरमान है। नंजई कोटे के लोगों को मेरा नमन, धन्यवाद। प्रवासन को रोकना होगा, तभी हमारी जिंदगी रोशन होगी। प्रवासन को रोकना होगा, चाहे नया कानून बनाना पड़े। प्रवासन को रोकना होगा, तभी हमें हमारा हक मिलेगा। प्रवासन को रोको। प्रवासन भाई, चलो। तुम नहीं आ रही हो, प्रेयर शुरू हो जाएगी। तुम लोग चलो। चलो चलते हैं। टीचर, मैं निकलती हूँ। बेटी, क्या तुम नहीं जा रही? प्रिया के पिता तो गुजर गए, मेरे पिता तो ऐसा ही है। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? जरूर लेंगे।
लक्ष्मण वकील का जो प्लान था वो तो फेल हो चुका है। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस हादसे को होते देख हमें कुछ न कुछ जल्दी ही कर दिखाना होगा। इस मौके का हमें इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। मनोहर ठीक से सुन लो, इस काम को रात को 11 बजे अंजाम देना होगा, तभी अमरनाथ पार्टी ऑफिस से निकलता है। वो अपनी पार्टी ऑफिस में बैठकर ही सारा वक्त शराब पीता रहता है। अब एक हफ्ता पहले ही घर जाते वक्त उसकी कार एक पेड़ से टकरा गई। ऊपर वाले की कृपा से बच तो गया, लेकिन उसके पैर में चोट लगी और कार तो चकनाचूर हो गई। उस दिन तो बच गया, लेकिन मनोहर तुम्हारे लिए ये काम आसान हो जाएगा। अब ना तो वो भाग पाएगा ना उसके लोग जमा होंगे जब मनोहर उस पर हमला करेगा। हे, फोटो दे, ये लो। कब किसको कैसे उठाना है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मनोहर को फोटो देकर बेकार में टेंशन दिया, और नहीं तो क्या, कोई शेर को उसके चारे के बारे में फोटो देकर बताता है क्या? वैसे सूरज, विपक्षी पार्टी के लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, जीना मुश्किल कर देते हैं। चलो गाड़ी निकालो। किसने किया ये हाल? पार्टी के खिलाफ हम लोग दंगा नहीं कर सकते, हम तो गरीब लोग हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। वो दुकानें तोड़कर पैसा लूट के चले गए। कौन थे वो? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कि आपको यहाँ के बारे में कुछ पता ही ना हो। आप तो यहाँ के ऐसा ही हैं। नंजापड़म पुलिस स्टेशन के अंदर क्रिमिनल की जो वारदात हुई है वो कुछ इस तरह से है सर। 14 मर्डर केस हुए हैं, 18 केस है, 28 मर्डर है सर। इंस्पेक्टर, तुझे अंदर करने के लिए मेरे ही आदमी मिले थे क्या? यहाँ जिंदा रहना है तो हमारा साथ देना ही पड़ेगा। इलेक्शन का वक्त है, नहीं तो अमरनाथ सर खुद यहाँ आते। पूरे इलाके में DYP पार्टी के पोस्टर लगाने थे, ये काम इन्हें करना था, पर आपने तो इन्हें अंदर कर दिया। आप फैसला कीजिए पोस्टर ये लगाएंगे कि आप, क्योंकि अगर शाम को बत्ती जलने से पहले पोस्टर्स नहीं लगे तो अपनी प्यारी बीवी को एक सफेद साड़ी भी दिला दे। उमर चलो तुम इन लोगों को लेकर जाओ। चंद्रा तू यहीं पर रुकेगा, अगर कोई कंप्लेंट करने आए तो संभाल लेना। आगे तू समझदार है, पता है ना क्या करना है। आइंदा कोई भी उस कंपाउंड के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, वरना वर्दी के सारे स्टार निकाल के ऑटो रिक्शा चलवाऊंगा। पिताजी के लिए पानी लेकर आ। स्टेशन तो जाकर आए हैं, क्या खुद से पानी भी नहीं ले सकते किचन से? ये
भी एक पुलिस वाला है, इसे खाकी पहनने का हक ही नहीं है, दूसरा कोई काम क्यों नहीं करता? पुलिस के नाम पे धब्बा है। इतनी पुलिस होने के बावजूद भी अमर का दहशत खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे ये तो स्टेशन जाकर मच्छर मारता है, इसको फोकट का पगार जो मिलता है। इसके होने से बेहतर है ये ना हो, जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरे। ये बस ऐसे ही बैठे रहता है। इस बीच केस में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? ऐसा वैशाख की मृत्यु पर हम डीवाईपी पार्टी की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते हैं। उनके परिवार की हर मदद के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और वैशाख की मौत के बारे में सीबीआई चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस केस की सीबीआई द्वारा गहराई से तहकीकात होनी चाहिए। इस पुलिस वाले का इस तरह से खुदकुशी करने के पीछे उस पर क्या दबाव होगा, इसके पीछे क्या राज है, इस मौत को ऐसे मामूली तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है, ये ढूंढ कर लोगों के सामने लाना ही होगा। अगर पुलिस वाले की खुदकुशी के पीछे कोई दबाव है या कोई गुंडागर्दी का दबाव है okay, तो sir, उनके okay. खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, मुझे सर कल सुबह मिल लूंगा। रिपोर्ट के बाद इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। अभी हॉस्पिटल के मॉर्चरी से एसआई वैसा की बॉडी को बाहर लाए जाने वाला है। बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? इतना लेट होना था तो पहले ही बता देते। अरे उस हॉस्पिटल में कितनी भीड़ थी पता है, वहाँ के लोगों को कितनी घूस खिलानी पड़ती है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है अमर, हम चलते हैं, इसे भी लेकर वहाँ जाना है ना, उसके बाद ही हम घर पहुँच सकते हैं। अप्पू, हाँ? उस आदमी ने सुसाइड क्यों कर लिया? अरे छोड़ो ना संगीता, अपने को क्या मतलब। आजा बेटा, आजा आजा, आजा। कौन बैठेगा गाड़ी में? इलेक्शन में तुम्हें खड़ा करने वाले हैं, वैसे तुम एमपी बन जाओगे क्या? अरे जरूर बनूंगा। पहले जाकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लो। ओ बड़े चले एमपी बनने। अमर, एमपी बनने के लिए अप्पू मुझसे ज्यादा काबिल है क्या? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? गणपति हैं और शिव भी हैं और एक तीसरा आदमी भी है, उसकी भी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम घर चले जाओ, मैं काम निपटा लूंगी। इस बच्चे की देखभाल मैं नहीं करूंगा, चुपचाप गाड़ी चलाओ। बोलो कौन हो तुम? अमरनाथ। इतनी देर हो गई, तुम वहां से निकल चुके थे ना? अरे पूछिए मत अप्पू भाई, आते समय रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लिफ्ट दे दी, उसी में लेट हो गया। लिफ्ट दी? अरे लिफ्ट ही तो दी है। देखो कैश लाते वक्त बेकार में दूसरे को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, समझे? अगर कुछ हो जाता तो? आप तो जानते ही हैं उस सावधान एक्सप्रेस के टाइम के बारे में। जानता हूँ, पर मैं नहीं जानता था ना, कब से वो सड़क किनारे खड़ा था, आने जाने वाली सभी गाड़ी वालों से लिफ्ट मांग रहा था, पर किसी ने लिफ्ट नहीं दी। मैंने उस बेचारे को ऐसी हालत में देखा तो मुझे दया आ गई, मैंने लिफ्ट दे दी। लिफ्ट दी? लेकिन आपका कैश तो सेफ है ना भाई? कैश सेफ है। मैंने सोचा आपको कैश दे दूं। कौन था वो? दिखने में कुछ खास नहीं था,
जहाँ तक मुझे याद है 10-12 साल पहले मैंने उसे कहीं देखा था, उसके बाद का कुछ याद नहीं। हाँ, उसकी आंखें देखने पर लगता था कि मैं उसे पहचानता हूँ, पर कुछ याद नहीं आया, पता नहीं कहाँ देखा था उसे। इतना परेशान था फिर भी 4-5 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सर पर ले रखी थी। वैसे उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि कुछ सालों पहले वही मुझे मुंबई लेकर गया था। वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट है भाई, उसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। वो तमिल वालों से तमिल में बात करता है, तेलुगु वालों से तेलुगु में, और कन्नड़ वालों से कन्नड़ में। हाँ, एक बार वो सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहा, लेकिन फिर खड़ा ही नहीं हुआ। सरकार के खिलाफ जाने वाली इच्छा को मन में दबाकर, सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को मन में रखकर एक सामान्य आदमी की तरह घूमने फिरने लगा, ऐसा लोगों का कहना है भाई। ऐसे 5 साल गुजर गए। मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना उस आदमी के आक्रोश को फिर से सरकार के खिलाफ जगाकर क्यों ना उसका साथ दें। मैंने तो ऐसा सोचा था, पर मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अपू भाई, एक पैक मिलेगा क्या? ये ले। थैंक यू भाई। कट ले, निकाल। अच्छा, चलता हूँ भाई। ए बिजू, मेरे लिए चाय लेके आना। सुन रहे? ए, चाय दे। मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है? जल्दी आ रे, कहाँ मर रहा था इतना देर। हाँ, तू भी चाय ले ले। इसके पास तो होगी। क्या बोल रहे हो? ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। लगता है इसे काम करने की कोई इच्छा नहीं है। अरे वैशाखन सर, एक बात बोलू, स्टेशन को साफ करना हो तो मेरे पास आदमी है। अरे अरे अब्दुल, चाय पी के तो जा। अब्दुल बेरे, चाय। अरे जरा जल्दी चलना। ये तो मैंने मान लिया कि हम सब हार मानकर यहाँ खड़े हैं। तुम भी मानती हो क्या? हार मानकर पीछे नहीं मुड़ सकते। यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर घर से बाहर निकलेगा तो यही सोचूंगी ना कि यहाँ आ रहा है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? आजकल के लड़के तो अपनी मनमर्जी करते हैं, हमारी कहाँ सुनते हैं। इसे पढ़ाने लिखाने में पूरी उम्र लगा दी, कहाँ कहाँ मन्नत नहीं मांगी। एक बार पलिनी मंदिर तक भी गई थी, उसके बाद तिरुपति गई, उसके बाद इसके एक दोस्त ने इसकी नौटंकी के बारे में मुझे बताया। अगर ये ऐसे ही करता रहता तो ये नौकरी भी हाथ से जाती। मैंने सही कहा ना? ये बात सही है। वही तो मेरा मतलब है, वो बिना काम का ही घूमते रहते हैं। चाय लेके आ। आप गलत मत समझिए, हम लोग पुलिस वाले तो जरूर हैं, और ये पुलिस स्टेशन भी है। हाँ, सही कहा। लेकिन हमारा काम पुलिस वालों की तरह नहीं है, यहाँ का माहौल ही ऐसा है। अफसोस।
कौन सा पुलिस स्टेशन लिखा है? नंजई कोटे। ब्रांच चाहे कोई भी हो, बस वो पुलिस स्टेशन है, इतना ही काफी है। यहां नंजई कोटे में मैं किसी का रोना धोना सुनने नहीं आया, लेकिन कोई किसी की वजह से रोएगा तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। यहां पर मैं कुछ ही दिनों के लिए रहूंगा, लेकिन जब तक इस पुलिस स्टेशन में रहूंगा तब तक हम सब पुलिस की ड्यूटी निभाएंगे। आया समझ में या वापस समझाऊं? चलो अब बताओ अपने अपने बारे सर में। मैं यहाँ का हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला हूँ। मेरी एक बीवी है और एक बेटी। सर कुट्टम पिलाई, एएसआई हूँ। इसी साल रिटायरमेंट है। सर मैं गोविंद। सर ये मेरा पोता है गोविंद, हर चीज में माहिर है। ये बात और है कि जो भी करता है सब गड़बड़ हो जाता है। सर मैं ड्राइवर हूँ बीजू, 35 साल का हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। सर मैं राइटर सुंदरम हूँ, 35 साल का हूँ, मेरी एक बीवी और 2 बच्चे हैं। बीजू अपनी जीप की स्पीड कैसी है अभी? सर जीप की जितनी स्पीड है उतनी स्पीड से चलाकर अभी वापस आता हूँ। अब डीजल का खर्चा मैं दूंगा, जहाँ कहूंगा वहाँ ले चलना पड़ेगा। ठीक है सर। डरने की जरूरत नहीं है। जो यस सर, जीप तैयार है? हाँ सर। पब्लिक से हम सपोर्ट की अपील करते हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आगे से अगर किसी ने आपको कोई धमकी दी तो। सुंदरम बस करो। ठीक है। एक सड़क है, ज्यादातर तमिल के लोग वहीं पर रहते थे, लेकिन अब अप्पू के शासन की वजह से उन्हें प्रवासन करके जाना पड़ा है। अब कोई भी तमिल यहाँ नहीं रहता है सर। वापस आने वाले अमरनाथ के नाम से बहुत डरते हैं सर। सच बोले तो यह बहुत बुरा है सर। इस प्यारे से शहर को पापियों ने एक जंगल बना करके रखा हुआ था। जब से तू यहाँ पर शिकारी बन के आया है ये लोग डर डर के भागने लगे हैं। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ अब तक खड़ा हूँ। अब तो नंजे कोटे के तुम ही राजा हो, तो प्रजा पे कुछ एहसान करो ना मालिक। हो सके तो थोड़ी सी हमें भी पिला दो मालिक। इस गाँव में कोई मर्द नहीं है क्या राजेंद्र? मर्द क्या, और वो भी यहाँ पे? हाँ थू क्या पे? मैं जरा नीचे टको क्या दिमाग खराब कर दिया। हेलो
भाई, इस बंदे में बहुत गर्मी है, मेरी बात तो बहुत हल्के में ले रहा है। देख क्या रहे हो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। सर आप क्या सोच रहे हैं? एक गांव था जहां के लोगों को वहां से निकाल दिया गया था। मेरी भी बचपन की एक ऐसी ही कहानी है। उस कहानी को मैं याद करना भी पसंद नहीं करता, और जो हम पसंद नहीं करते उसे अगर कोई याद दिलाए तो गुस्सा तो आएगा ही ना। इसलिए मैं ऐसे ही पेश आता हूं, आगे से ध्यान रखना ऐसा ना होने पाए। और नंजई कोटे में हथियार का कारोबार नहीं चलना चाहिए। मेरे प्यारे सर, नंजई कोटे में मिठाई के दाम पर हथियार मिल जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। मैं हथियार सिर्फ उन्हें बेचता हूँ जिन्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर, आपको आपके पसंद की हर चीज मिल जाएगी। अपना मुंह बंद कर। नाइन एमएम कोल्ट है, इटालियन मेड, लाइट वेट, मेटालिक फिनिश, और मैगजीन कैपेसिटी के बारे में पूछिए ही मत। इतनी कीमती है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। निशाना कभी चुकता नहीं है सर, अगर चाहिए तो गिफ्ट समझ के रख सकते हैं। मुझे खरीदने की कोशिश करोगे तो ये तुम पे चलेगी। अप्पू, जब वो यहाँ आया था तो उसके साथ कितने आदमी थे? भैया कैसा सवाल कर रहे हैं आप? अगर मैं चाहूं तो अभी पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे उल्टा लटकाकर मार डालूंगा, और इसमें वक्त नहीं लगेगा। ये देखिए, इलेक्शन होने वाले हैं इसीलिए छोड़ दिया उसे। तो फिर वहां जाकर बोलना चाहिए ना, चार भाड़े के टट्टू अपने पास रख के ये चोर पुलिस का खेल मेरे साथ नहीं खेलने का। वो अपना किसी और के हाथ से धुलवाना चाहता है क्या? अरे वो दोनों भाई ऐसे ही मुझसे आकर मिले। देखो, कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई है, यही अक्लमंदी है। ओ, अक्लमंदी की बात कर रहे हैं। अपने बदन पर ओढ़ने के लिए एक छोटा सा कपड़ा नहीं था तुम लोगों के पास? इतनी जल्दी भूल गया क्या? हाँ विजयानंद, तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? एमपी याददाश्त कमजोर हो गई तुम्हारी। डॉक्टर, इसका बीपी बेकार में चेक कर रही है, जाकर बच्चे को देखिए। तुम्हारे भाई के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं की है, लेकिन अभी जो यहाँ पर बैठा है वो मेरा बाप है, उससे इज्जत से बात किया करो। अरे जस्ट मिस, जो हम आइसक्रीम फैक्ट्री में पावर सप्लाई देखे थे ना, वो एक गैस सिलेंडर के पावर के बराबर है। एक बड़े बंगले को उड़ाने के लिए एक गैस सिलेंडर काफी है। आप क्या बोलते हो सर? आपके क्वार्टर्स में गैस सिलेंडर है ना, उसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। ठीक है, अगले संडे उसे निकाल कर रखिए, देख लूंगा। सर, सुंदरम ने फोन किया था, वहां रास्ते में डीवाईपी पार्टी और एएससीपी पार्टी के बीच में झगड़ा हो गया है। उसने हालात संभालने की कोशिश की पर उसे कुछ हुआ नहीं। वो पूछ रहा है कि आप जाएंगे वहां।
हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। सर, मारने वाले डीवाईपी पार्टी के हैं। प्रवासन ने जिन्हें पार्टी से निकाल दिया था उनसे मिलने के लिए कल रात को आया था। लगता है इनके दिमाग में कोई प्लान है। जब मैंने जाकर पकड़ने की कोशिश की तो मेरी बात भी नहीं सुनी। प्यारे देशभक्त नागरिकों, जब एक बेगुनाह आदमी को दो गुंडे मिलकर मार रहे हो तो गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखें, ये गलत है। एक जिम्मेदार नागरिक को कभी खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। आज जो किसी और के साथ हो रहा है कल वो आपके साथ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? इधर पुलिस वालों की कोई जरूरत नहीं है, बुला जिसको बुलाना है। अगर किसी भी वर्दी वाले ने यह कदम रखा ना तो उसके भी ऐसी हालत करूंगा, याद रखना। प्रिय नागरिकों, ये कोई मामूली हादसा नहीं है, अब आप लोगों के सामने असली तमाशा पेश किया जाएगा। गुंडागर्दी का समय अब समाप्त हो चुका है, कैसे ये आप आगे देखेंगे। ऊंची आवाज में धमकी देने की कोशिश भी मत करना। ऊंची आवाज सुनना मुझे पसंद नहीं, और रही मुझे धमकी देने की बात, तो तेरा बाप भी अगर दोबारा जन्म लेगा ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। उमर का नाम लिखा है। उमर को उठाओ। इस लेटर में लिखा है रसाक को उठाएंगे। इसमें भी लिखा है रसाक को उठाओ। बीजू को उठाने लिखा है। अब इसने क्या गुनाह कर दिया? उमर को उठाओ। लिखा है उमर को उठाने की हिम्मत है क्या? उमर, बहुत बड़ा सिरदर्द है सर। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इन सब को छोड़कर अमरनाथ को उठा के दिखाओ। लिखने वाले का नाम जोर से पढ़ना। एक लेटर पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है सर। जिन जिन को उठाना है उनकी कंप्लीट डिटेल मुझे मिलनी चाहिए। हमारे पास उनकी कोई डिटेल नहीं है। सर, वो डॉक्टर साहिबा इंतजार कर रही हैं। बच्चों को वैक्सीनेशन देने की बात कर रही थी, आप जरा उनसे मिल लेंगे क्या? ओके। सर, मैं संगीता हूँ, डॉक्टर संगीता, हैदराबाद से हूँ। अमरनाथ मेरे कजिन हैं, वो यहाँ पर नहीं आ पाए तो उन्होंने कहा कि मैं आकर आपसे बात कर लूँ। मैडम, आप डरिए मत, जो भी है सर देख लेंगे। नंजनकोटे में आना ही आपकी गलती है सर। ये जो आप चोर और पुलिस का खेल खेल रहे हैं ना, अगर ये चलता रहा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप अमर के मामले में दखलअंदाजी ना करें। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यही कहने आई थी। एमपी विजय आनंद की इकलौती बेटी, विदेश से पढ़ी है, डॉक्टर है। ये एक हैदराबाद के लड़के से प्यार करती थी और वो दोनों बहुत क्लोज थे,
लेकिन एक दिन अचानक उसके प्रेमी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद वो कोमा में चला गया। डॉक्टर ने कहा कि उसका बचना मुश्किल है, तो अमरनाथ ने उसके प्रेमी को उसके ही सामने मार डाला। और प्रेग्नेंट हुई संगीता को यहां गांव लेकर आए। एडवोकेट लक्ष्मण जो अध्यक्ष पद निभा रहे थे, उनकी जगह आप किसी और को चुनना होगा। अगर उस पद के लिए किसी और ने कोशिश की तो उसका भी मनोहर जैसा ही हाल होगा। यहां लाओ। जब पार्टी के लोगों को पार्टी में विश्वास ही नहीं है तो इलेक्शन से पहले AICP को अलग करने में ही भलाई है। तो फिर सब लोग सर्वसहमति से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुनो, वही इलेक्शन लड़ेगा। पार्टी के 4-5 नाकामयाब मेंबर्स में मैं भी हूं। सिर्फ 5 साल पहले तक ही हमारे पास जनता के विश्वास और सपोर्ट की ताकत थी, लेकिन अमरनाथ ने उन सबके बीच में डर पैदा कर दिया। उस बदनाम DBI पार्टी को खरीद लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इंदिरा स्टेट के हजारों परिवारों का नाम ये कहकर काट दिया कि वे दूसरे राज्य के हैं। लेकिन जो लोग AICP पार्टी में शामिल थे उनको हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए, और जब वो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे तो उनसे हमदर्दी नहीं जताई। अगर हम ऐसा करते तो उन लोगों की शक्ति से हमारी पार्टी मजबूत होती। अब इलेक्शन तक इंतजार करना होगा, मुझे और कुछ नहीं कहना। आप हमारे दर्शकों को क्या ये बता सकते हैं कि आखिर इस समस्या का आप लोगों की तरफ से कोई हल निकल भी सकता है या फिर नहीं? इंदिरा स्टेट में कोई भी नहीं था, अब वो ये पूरा स्टेट तो बेचने वाले हैं। ये सब कॉरपोरेशन में चलने वाली एक साजिश है। तमिल लोगों को वहाँ से हटाकर इन लोगों ने इस जगह को हड़प लिया है। सच तो दुनिया के सामने करता हूं। इस वक्त हमारे साथ नंजनकोटी के MP श्री विजय नंदन जी जुड़े हुए हैं। हेलो श्री विजय नंदन जी, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। इलेक्शन अब काफी नजदीक आ चुके हैं, एक सीट के लिए कई सारे उम्मीदवार एक साथ खड़े हैं। अब ऐसे वक्त पर तो क्या DYSC 2 भागों में बंटने वाला है, या फिर जो सालों से चलती आ रही प्रॉब्लम इसी तरह इस साल भी यूं ही चलती ही रहेगी, या कोई सॉल्यूशन निकलेगा उसका? मिस्टर वेणु, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो गलत है। DYP पार्टी के पास गुंडे नहीं है बल्कि उनके समर्थक है, और उनकी भावनाओं को गुंडागर्दी का नाम मत दीजिए। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे सवाल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर विजयनंदन, नंजनकोटी की क्राइम रिपोर्ट इस वक्त मेरे ही हाथ में है। आप कहें तो मैं न्यूज चैनल पर सुनाऊं आपकी पार्टी के कई सारे लोग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलग्न। आप कहें तो मैं उनके नाम भी सुना सकता हूं। सुना दूं? हेलो हेलो, विजयनंदन जी कहां चले गए? हेलो, तो मैं क्या करूं? हर पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ भाषण दे रहे, इलेक्शन आने वाला है। अगर इन लोगों में मेरे दल को कमजोर करने की इतनी हिम्मत है, अगर मीडिया की आड़ में कुर्सी पर बैठकर अपनी मनमानी करोगे तो फिर हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम ही बताओ। जो बोलूं करोगे? करूंगा, जरूर करूंगा। उमर, तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना होगा, ऐसा ही नहीं बुलाया है। तू पुराना अब्दुल नहीं लग रहा है, तेरे को ये ठुल्ले लोग प्रमोशन तो नहीं दे रहे? मजाक बंद करो उमर,
तुम्हें सोमवार को पुलिस स्टेशन आना ही होगा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आऊंगा ना, वैसे भी उस नए इंस्पेक्टर से अब तक मुलाकात नहीं हुई, आके मिलता हूँ। अच्छा वैसे घर में सब ठीक ठाक है ना? आपसे कुछ कहना था, मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे अपनी तरह एक पुलिस वाला बना दिया, ये उनका सपना था। अरे ये क्या, सिलेंडर है, आग लग गई तो ये लीजिए। फिर भी मैंने ट्रेनिंग के साथ बीटेक कंप्लीट किया, इस बीच में उनका स्वर्गवास हो गया, तब से मैं ड्यूटी ज्वाइन करके अपनी दादी के साथ रहता हूँ। ये जो स्मेल है ये वाकई गैस की है या फिर तुम्हारे पेट की गैस है? सर 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 ये रेगुलेटर काम तो कर रहा है ना, आजकल खाना पीना टाइम पे नहीं होता रहा है। हाँ, जो जरा वो रेगुलेटर चेक करना। ओके। अरे सर हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड बचा है सर, अब 9 सेकंड। चलो भागो। अरे अरे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको तो, अरे रुको मेरे लिए सर। लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर किराए से देना है। हाँ सर, आपको किराए के घर की तलाश थी ना? लेडीज हॉस्टल के बगल में एक घर खाली है जो पिछले कुछ समय। हाँ सर मैं पहुंच गया हूँ। आपके क्वार्टर से धमाके की आवाज आई थी। हाँ? तुम एक दिन लेट क्यों आए? वो क्या है ना सर, मुझे लोगों को इंतजार कराना बहुत पसंद है। मुझे भी। अगर हमारा साथ दोगे तो ही तुम चैन से जी सकते हो। आज तक मुझसे किसी ने ऐसे साथ देने की बात नहीं की। चलो आ जाओ, आइंदा मैं तुम्हें कभी किसी नेता के साथ नहीं देखना चाहता, और उसी तरह एक भी नेता तुम्हारी खातिर मुझे नहीं मिलना चाहिए। दोनों में से चाहे जो भी होगा उसका नुकसान तुम्हें ही सहना पड़ेगा। और हाँ उमर, कोई अच्छा किराए का घर हो तो बताना, जरा देखना है। गाड़ी निकाल। नमक वगैरह ठीक है ना? ओ। स्टेशन जाने की बात से ही गोविंदा डर जाता था। एक दिन मैंने पूछा कि गोविंद आज तुम पुलिस स्टेशन कैसे जा रहे हो? पता है उसने क्या जवाब दिया? कि सर वहाँ पर है। वैसे सर आप यहाँ है तो क्या वो स्टेशन नहीं जाएगा? रुक रुक रुक, सुबह नहाया था क्या? पार्वती जी मैंने सुबह नहा लिया था। सर मामला इतना मामूली नहीं है, जिन जिन गुंडों को हमने बुलाया वो सब पुलिस स्टेशन में है, और हम टाइम पे नहीं पहुंचे तो गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। Thank you.
वो देखो आया। कुट्टू भाई दो चाय लाना। सुंदर चाय लेकर आओ। आपको लाने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर, यहाँ का एक्शन मिस नहीं करना चाहता। उसके लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें ही होंगी। आप जाके आइए। हाँ ठीक है, जाता हूँ। उस आदमी का नाम बताना जिसके बाल लंबे हैं। वो लंबे बाल वाला, उसका नाम रजाक है, बेंगलुरु का रहने वाला है। हम जो भी कहेंगे वो करेगा। 10 साल से इस आदमी के साथ कौन कौन है? 5 सालों से? 1 साल से? छुपने से कुछ नहीं होगा, सामने आ। कितने सालों से इनके साथ है? 12 साल हो गए सर। यही बात तो मैं इतनी देर से पूछ रहा था। सर सॉरी कुट्टू भाई। क्या बात है अप्पू, तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्या? वो अप्पू के हाथ नहीं लगा इसलिए मैंने उससे नहीं पूछा। तुमने उसे अपने घर रख के बचाया था ना, सच बताना। इतने आदमियों के साथ आना ये कोई अकलमंदी नहीं है, ये सोचने के लिए दिमाग चाहिए और वो दिमाग तुम्हारे पास नहीं। उस दिन सिग्नल पे मारे जाने वाले जयस का भाई कौन है? मैं हूं सर। और जो मार्केट में मरा उसका बड़ा भाई कौन है? मैं। लिस्ट और भी लंबी है। तुम्हारे दोस्त को जिसने मारा है वो इस तरफ है, और तुम्हारे दोस्त को जिन्होंने मिलके मारा है वो इस तरफ है। ये खून खराबा कभी खत्म नहीं होगा, और इनके घरों में जो बच्चे पैदा होंगे वो भी आगे इसी का बदला लेंगे। अपने बच्चों के बारे में सोचो। यहां आज के बाद बच्चों को पोलियो डोज पिलाने के लिए भी घर के बाहर कोई कदम नहीं रखेगा। अगर ये इस घोटाले में दोबारा दिखा तो उसकी जगह तू पिटेगा। अच्छा देख, इतना काफी है या और करूं? एक काम कर, तू आके कर ले। आजकल तू ज्यादा नखरा दिखा रहा है। क्यों रे, एक काम की बात करूं तो तुझे लगता है कि मैं नखरे दिखा रहा हूं? एक पंखा तो ठीक से सेट नहीं हो रहा है। तू मुझे ज्यादा मत सिखा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू तेरा देख। मैं देख लूंगा लेकिन तू यहीं पर बैठा रहे। क्या क्या है चिरकुट, तू अपने आप को बहुत बड़ा तोप समझता है? अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा मुंह तोड़ेगा, चल तोड़ के दिखा। तोड़ने से पहले पंखा ठीक करके दिखा। तो क्या हुआ? क्या कर लेगा तू? तेरी तो हट, रुक जा। ओ सर आ गए। अरे हे सर आए। उमर ये दिखाएगी तो तेरे सारे काम हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ले बेटा अच्छे से पढ़ाई करना। पिताजी। हाँ अब्दुल्ला सर आ गए। आओ सर बैठो। मैं बस आपकी बेटी को
जिंदगी के बारे में बता रहा था। बहुत होशियार है आप, बैठिए ना सर। सच्ची में मान गया सर, इंस्पेक्टर बोले तो ऐसा ही होना चाहिए। उस वक्त मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन आपकी टेंशन ज्यादा थी। वो आज नहीं तो कल चला जाएगा, लेकिन आप और मैं यहीं रहने वाले हैं ना। खैर छोड़ो अब्दुल्ला, मेरे खातिर अपने सर से बात करो, उसे समझाओ कि यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। मैं आपके काम में नहीं अड़ाता, आप मेरे में नहीं अड़ाते, वरना टांग कट जाती है। दीदी इसकी क्या जरूरत थी? चाय बहुत अच्छी है। जैसे मैं यहां आया वैसे ही बीजू सर के घर, कुटुंब सर के घर और गोविंद सर के घर में जाऊंगा और उन्हें भी समझाने की कोशिश करूंगा। आगे तो आप लोग जाने, आप लोगों की किस्मत। चलता हूं सर। ए, चलो। गोविंद सर, गोविंद सर, भाई घंटी बजाओ। अरे ये सीढ़ियों से नीचे उतरो। हाँ अब ऐसे मत घूरो, यही गोविंद का कारनामा छिपा है। जाकर गोविंद से कहो कि उमर भाई मिलने आए। ओ तो तुम ही हो उमर भाई। हाँ। आधी रात को अकेले घूम रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें मना नहीं करते? मेरा गोविंद और उसके सर तुम्हारे ही घर पर गए हैं, जाकर उन्हें वापस भेजो, जल्दी जाओ। ए, गाड़ी निकल रहे। अब्दुल्ला स्टॉप। बहुत अच्छा है। आपका शुक्रिया। सर खाने का क्या? अरे वो भुखड़ ने ले लिया। लाओ रिमोट तो मुझे। अरे दो ना यार, जाना इधर। आपका क्या प्रोग्राम चालू हो गया होगा? डर नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता है। अगर बंदूक चली तो? बंदूक चले तो भी। अरे उमर, अरे आना भाई। रजिया उमर अभी बाहर से आया है, इसके लिए चाय और कॉफी लाना। बातों बातों में मैं भूल ही गई कि तुम्हें चाय भी लानी है, अभी लाती हूँ। उमर ऐसा यार, रजिया मुझसे पूछ रही थी कि नंजई कोटे का क्या हाल है। नंजई कोटे मेरा थोड़ी ना यार, रहने के लिए घर नहीं है और साथ देने वाले बीवी बच्चे नहीं है। लेकिन तेरे बारे में सोच के अफसोस हो रहा है कि तेरे साथी इस बारे में जान के बाहर बताएंगे तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसीलिए कह रहा हूं, आगे से कोई सवाल या पूछताछ करनी हो तो मुझसे पर्सनली मिलकर करना। जिस घर में औरतें रहती हूं वहां घुस के टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है, गंदी आदत है। आप जूस तो बहुत अच्छा बनाती है। चलता हूं मैं। Enjoy. चलो आ जाओ। तो फिर अब तुम्हें अक्कल आ जाएगी।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है, बच्चों ने गुंडागर्दी छोड़ दी क्या? गुंडागर्दी हम भूल गए हैं सर, अब तो हम लोग ठेले चलाते हैं। डीओपी और एआईसीपी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन होगा, ऐसी खबर मिली है। कर्नाटक के साथ और तेलंगाना स्टेट की पार्टी के साथ मिलकर डीओपी गठबंधन करके इस इलेक्शन में केंद्र इलेक्शन का सामना करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा बापजी के अध्यक्ष के लोगों का कहना भी है। तेलंगाना बापजी अध्यक्ष को एमपी स्वामी और डीओपी पार्टी दल का एमपी विजय आनंद और उनके साथ डॉक्टर संगीता डीएसटी दल के अध्यक्ष है। लोगों को सीट मिलनी तय है। लाल झंडा जीता तो राज्यसभा, हरा झंडा जीता तो लोकसभा। तो ये मंत्रिसभा क्या होता है? ये राजनीति का खेल है। हमारा अगला टारगेट दिल्ली है। भाई कुछ समझा? ठीक है, मैं बताता हूं। सर, कौन सा पुलिस वाला था वो? उसके पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले तक तुम लोग गिल्ली डंडा खेल रहे थे। उन लोगों से कैसे निपटना है ये बात समझानी पड़ेगी क्या? बात वो नहीं है सर, वो पुलिस वाला बहुत गर्म खोपड़ी का है। उमर, फिलहाल मुझे छोटे लोगों के बारे में सुनने का टाइम नहीं है। वो जो कोई भी हो, इलेक्शन होने तक उन सबको अपने काबू में रखो। खा के जाना, भूख लगी होगी। सर, मैं जाकर डॉक्टर से मिलकर आता हूँ।
सर, डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्दुल्ला का दायां पैर ऑपरेट करना पड़ेगा। सुंदर कैसा है? वो अभी वार्ड में है। सर, रास्ते में लौटते समय ये सब हुआ। असल में वो आपको ढूंढ रहा था, अचानक पीछे से हमला कर दिया। लगता है वो हथियार लेकर चले गए। ले जाने दो, अपने पास समय है। ज्यादा आदमी नहीं मिले क्या? यहां क्यों आए? पीठ में बहुत दर्द था, डॉक्टर ने कहा अच्छे से मालिश होगी तो ठीक हो जाएगा। देख, इस नंजे कोटे में जो भी आया है कभी कामयाब नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो यहां से बाहर नहीं जा सका। अगर तुझे लगता है कि मैंने कामयाबी हासिल की है तो इसका मतलब वो पुराना नंजे कोटे नहीं रहा। उस दिन पुलिस स्टेशन में जो तूने किया उस बात को मैं भूला तक नहीं था, और उस पर तू मेरे घर में घुस आया। तुझे पता नहीं तूने किससे पंगा लिया है। ए वेंकट, खत्म कर दे इसे। Thank you.
सर सामान लेके आ गए तो अब क्या करें? अभी इसका दायां पैर काट दो और अब्दुल्ला जब अपनी आंख खोले तो ये दुनिया ना देखे। सर हमें इसका किराया तो देना ही पड़ेगा और सबूत मिटाने के लिए इसे किसी तालाब या नदी में फेंकना होगा। तो फिर उसका दूसरा पैर भी काट दूं क्या? नंजा कोटे से कई लोगों को मारकर भगा दिया गया, उनके वापस आने से भी नहीं बनेगा ये नंजा कोटे। अमरनाथ और अब्बू सबको झोपड़पट्टी में भेज देंगे। अपोजिशन पार्टी की हुई इसीलिए उन पे रहम दिखा रहे हो क्या? उन बातों के जरिए अगर तुमने गंदी पॉलिटिक्स करने की कोशिश भी की ना तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। और तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो वो सारे हाथ पे हाथ रख के खड़े थे जब उन्हें भगाया गया था। मेरे अंदर के शेर को जगाओगे तो पहले उन्हें चीरूंगा। सर ये पार्टी की बात नहीं है, मैं पार्टी से अलग हो चुका हूँ। वैसे भी नंजे कोटे में रहने वाले सही है क्या? वो भी तो गलत है सर। मेरे साथ आम लोग खड़े हुए हैं, पार्टी के लोग नहीं। सबकी ख्वाहिशें की जो गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए। उन्हीं के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे लगा था कि आप हमारा साथ देंगे। एक बार चलकर वो झोपड़पट्टी देखिए। जो भी कहा मैंने सुना, अब मैं जो कहूंगा वो सुनिए। नंजे कोटे में अभी भी सबका घर है। तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है, संपत्ति सामान और धरती, उन सब के निशान वहां पर मौजूद हैं। तुम्हारी पहचान नहीं खोनी चाहिए। तुम लोगों की कॉलोनी और इंदिरा एस्टेट अभी भी नंजे कोटे में ही है।
अगर तुम हिम्मत करके फिर से वही जिंदगी जीना चाहो तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम सबको ये हक है कि तुम भी सोमू की तरह जियो। हमारी एकता नंजय कोटे में वापसी तक ही नहीं रहेगी, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बनी रहेगी। जो लोग पार्टी छोड़कर आए हैं वो भी नंजय कोटे के ही लोग हैं। अजय, बाबू, प्रसन्ना, दीपू, वहीदा टीचर और रिनू मैडम, आज तक किसी भी अखबार और टीवी के लोग आकर हमसे नहीं मिले हैं अमरनाथ की डर की वजह से। ऐसे में जब लोग वहाँ जाएंगे तो अमरनाथ ये देखकर चुप रहेगा क्या? नंजे कोटे में वापस जाने का दिल तो करता है, लेकिन हम लोग जैसा सोच रहे वैसा होने वाला नहीं है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनको डर अमरनाथ से ही है, वो बहुत खतरनाक है। तुम्हारे अंदर जिस चीज का डर बैठा है, पहले उस डर को निकालो और उस डर को खत्म करने के लिए तुम लोगों को वहां जाना ही होगा। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा अपू भाई। उस पुलिस वाले ने मेरा पीछा किया और रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार दिया। बीच रास्ते पर मुझे बहुत मारा और उस एसआई ने मुझसे पैसे भी ले लिए। मैं अकेला आदमी क्या कर सकता था अपू भाई? ये जो सूरज है ना, ये तमिलियन लोगों से मिल गया है। खबर मिलते ही उस पर शक होने लगा था। अब वो कैश नहीं मिलने वाला, ज्यादा सोचो मत। मैं उसी दिन उससे डील करने वाला था लेकिन आपने मुझे रोक दिया। आपकी वजह से मैं रुक गया, वरना उस दिन उसके हाथ पैर तोड़ देता। हमारे आदमी लोगों की सोच बदल के रख देंगे और इसीलिए मैं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ये कैश हैंडल करने का काम मैं नहीं करने वाला, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं तो ऐसा ही बेचारा मारा जाएगा। बहुत हिम्मत वाला आदमी है वो हिम्मत वाला है इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन बुला पाया। भैया, अरे यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वहां पुलिस स्टेशन में क्या सांप सूंघ गया था तुझे? भौंकने वाला कुत्ता कभी काटता नहीं है। जितना भी रकम गया है वो इस पूरे गांव वालों को खरीदने के लिए काफी था। जानते हो, इस इलाके में जो भी रहता है वो डीवाई पार्टी के प्रति जो इज्जत है उसकी वजह से नहीं बल्कि एक डर की वजह से है, और उस डर का नाम है वन एंड ओनली अमरनाथ। गणपति बप्पा, एमपी बनने का चांस था वो भी निकल गया। अब तो नंजय कोटे की कुछ जगह को बेचकर मैं हैदराबाद जाकर अपनी जिंदगी को संवार लूंगी। इस पर भरोसा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या हो गया? इतना कुछ तुम्हें दिया वो काफी नहीं है? औरत पर गुस्सा करो तो श्राप लगता है, ये बात कभी नहीं सुनी क्या? नहीं। कैसे सुनी होगी, ये सब अनुभव से पता चलता है। तुम यही गाड़ी में आराम करो, मैं एक काम निपटा कर आता हूँ। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना, हमी ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ, कान खोल कर सुन लो, हमी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है अमरनाथ, ये सारी चाल है तुम्हारी। गांव वालों को हटाने का काम रोको, ये जंग से पहले का शोला है। तुम हमें दबा कर नहीं रख सकते। वाह क्या बात है, आज तुमने मेरी इतनी तारीफ की है जितनी मैंने कभी नहीं सुनी। तुम्हारे बोलने के पीछे किसकी ताकत है मुझे यही जानना था। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि किसकी ताकत में दम है। प्रवचन चालू रखो। Thank you.
पहुंच जाएगा। हाँ। सब कुछ है तो बता दीजिए। अपू भाई से हम बात करें क्या? वो खर्चे के लिए पैसा देंगे हमें? भाई से जितना पैसा मांगेंगे उतना देंगे, कंफर्म है, तो टेंशन मत ले। अरे बोला ना 100%। कॉलेज के फंक्शन में कितना पैसा खर्च होगा हम भी जानते हैं। वो जितना मांग रहे हैं उससे आधा देकर वो जगह अपने नाम कर लेंगे। अच्छा वो रजाक कहाँ मिलेगा? बैंगलोर में। बात क्या है? नहीं कुछ नहीं। रिजल्ट का कोई टेंशन मत लो माँ, सब सही होगा, बोल रहा हूँ ना। तो गाड़ी में जा, मैं आता हूँ। चलो बैठ, अंदर बैठ। भाई मैं आगे बैठूंगा। ये लो सर। कुटन, आपको हमने यहाँ पर इस तरह से बुलाया, आपको जबरदस्ती तो नहीं लगा ना? नहीं तो। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में कौन रहता है? और ये सारा प्लान बनाने से पहले मैंने किससे बात की थी? आपसे ही की थी ना? तो मुझे बताइए, पुलिस स्टेशन में मेरे अलावा आप अकेले बैठेंगे क्या? चलिए जवाब दीजिए जल्दी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कुछ खतरा है। नमस्ते सर। हाँ, सही कहा। सर पैसे के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए आया। दोनों बात मुझे समझ आती है, बोलो। हाँ, आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। सर वो अमरनाथ ने नहीं, अप्पू ने मारा है। सर वो DYP का अध्यक्ष है ना, इसीलिए। वैसे क्या आप पूरी बात जानते हैं सर? अरे मैं उसी के बारे में सोच रहा था। हाँ मैं भी वही सोच रहा था। मानना पड़ेगा, जैसे ही आपने बात का पता लगा लिया वहां से हट गए। चाहे कुछ भी हो, डर तो डर ही होता है। किसका डर है? आप मजाक कर रहे हैं क्या? जो लोग आप लोगों को मारने के लिए आए थे, आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ छिप कर बैठे हैं। क्या बकवास कर रहा है? मतलब उन गुंडों के बारे में, उस आग के बारे में, पेट्रोल वाली, आप लोगों को पता नहीं है? आप लोग नंजन कोटे में है, पता नहीं है आप लोगों को? सलामती चाहता है तो सारी बातें सच सच बता दे। अमरनाथ सर के कहने पर पुलिस स्टेशन में गुंडे लोग आपको खत्म करने के लिए पेट्रोल बम लेकर गए हुए हैं। ये क्या सर? चलिए सर पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं जाना है। शराब पीने के बहाने आया हूं, पर आपका मजाक उड़ाने नहीं। आप लोगों को सच्चाई बताकर कोई फायदा नहीं है। पुट्टन। सर मुझे मत रोकिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। इस उम्र में स्टेशन पे सोना ठीक रही है? कंट्रोल, तुम अपनी दादी के गोद में सो जाओ, मुझे बहुत काम करना है। चल बाजवट। आखिरी प्लान क्या है सर? बिजू, अपना हनुमान का रूप दिखाओ। अरे पागल हो गया क्या? अपने को पुलिस स्टेशन उड़ाने का है, इस गाड़ी को नहीं। हेलो। हाँ माँ। हाँ हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। ग्रुप स्टडी? ओके। एक कट करना, कब से बज रहा है? सुनो भाई, यहाँ पर कुत्ते हैं क्या? नहीं, डायनासोर है। चाहिए? क्या मैं ये ले सकता हूँ? संतरा किस भाव दे रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हैं? सर फोन कट कर दिया। सर इसे मत चलाइए सर। अरे अन्ना, ये माँ क्यों इतना फोन कर रही है? ये चुप रहे पे। हेलो, क्या नाम है तेरा? रोजी। चुप कर। रोजी के कपड़े खींच के उसके बाल को पकड़ के उसे रुलाने नहीं आया, अगर मैंने यहाँ पर अपना रूप दिखाया तो उसका असर तुझ पे पड़ेगा। अरे यार कुछ भी कर, गाड़ी भगा, उस आगे वाली गाड़ी को रोक। अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई? जल्दी चला, वो देखो गाड़ी को रोकने का अपने को। रोना थोड़ा तेज चला। अरे ओवरटेक करना, रोकना उसको।
भाई मेरे घर से भी कॉल आ रहा है। अरे भगाना। अरे रंजीत बेटा कहाँ हो तुम? आखिर तुमने ये क्या कर दिया? हेलो। हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है? दबा दे गाड़ी को। अरे यार पिताजी। दस आदमी को साथ लेकर पूरे गांव में फ्लेक्स लगाने के लिए कहा था कि नहीं? ऑफिस के बाहर सिग्नल के कोने कोने पर अपने दल की जो पोस्ट है जहां कहीं भी उसे वहां रखो। और सोमू उस दीवार पे अपना फ्लेक्स क्यों नहीं लगा अभी तक? लगा दूंगा। कब लगाएगा? मरने के बाद? जो भी बातें हो रही हैं उन बातों को सुनने के बाद ही मैं सीधा यहां आया। हर जगह के बिखरे हुए लोग एक साथ खड़े हैं, उन लोगों को यहां आने की क्या जरूरत थी? उस इंदिरा स्टेट के मामले में कोई भी बात आगे नहीं बढ़ी। बहुत बड़ा इंजीनियर समझता है वो कब किस वक्त आएगा पता नहीं। एक बात तो तय है, तमिलियन लोगों का यहाँ आने का एक मकसद है, वो इलेक्शन में जरूर गड़बड़ी करेंगे, ये मैं जानता हूँ। यहाँ के जो तमिल लोग हैं एक जमाने में हमारे घर पर खाना खाने आते थे, वो हमारा एहसान मानेंगे, हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन बात ये नहीं है, अगर इनके साथ कुछ तेलंगाना और कुछ कन्नड़ लोग मिल गए होंगे तो इसकी चिंता मत कीजिए। वो हमारे शादी ब्याह में भी आते हैं, उनके साथ डील मैं कर लूंगा। लेकिन अगर मेरी नज़र से दो चार लोग बच जाएंगे तो आप लोग शामिल हो जाइएगा, क्योंकि कभी भी उन लोगों के पास आप लोगों को जाने का मौका। कल कुछ लोग मरने के लिए आ रहे हैं, सब तैयार हो जाओ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं। सर चलिए। पंजाबी मधुवाका ऋताजते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्वः आदित्य भगवान सर्वदा। सर जिस ऑफिसर ने सुसाइड किया था उसकी बीवी और बच्ची। तुम जाके आसपास चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ओके।
डीवाईपी फिर से सत्ता में आई तो अमरनाथ का अत्याचार बढ़ जाएगा, नई पीढ़ी भी साथ देगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब्दुल, बचपन में किसी बच्चे ने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। दो पार्टियों ने मिलके हमारे पूरे गांव में डाका डाल के सब कुछ लूट लिया। उस हादसे के बाद सब डर गए थे और एक वक्त ऐसा आया कि खून खराबा करने वालों का सर्वनाश करने के लिए उस लड़के ने अपने आप को तैयार किया। 12 साल के लड़के ने दिल में ठान लिया से कानून के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कानून के खिलाफ लड़ने की उसने ठान ली थी। लेकिन कानून ने उस दिन उसे ही सजा देके अपनाने की कोशिश भी की थी। वक्त तो गुजर गया, लेकिन उसके सीने की आग नहीं बुझी। वो अब भी उसी आग में जल रहा है। भाई, जिनको आपने मारकर भगाया था उनका अगले हफ्ते वापस लौटने का प्लान है। उनके स्वागत के लिए हम गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। झोपड़पट्टी में वो लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। जब वो लौट कर आए तो उन्हें नंजे कोटे में चैन से जीने देना। मेहरबानी करके उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह जीने का हक दो। वो बेचारे पहले से ही परेशान है, अब उन्हें और परेशान मत करना। ये मैं समझना उनके लिए दया की भीख मांग रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ पूरा देश है और देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर रहने का पूरा हक है। जब भी ऑपोजिशन पार्टी वाले आकर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन तुम्हारे रिक्वेस्ट में मजा नहीं है। नंजे कोटे में आजादी से घूमने वाले झोपड़पट्टी वालों को तुम लोग पनाह देने की कोशिश कर रहे हो। मत करो, मेरी ताकत को अगर कोई कमजोर करने की कोशिश करता है तो मैं उसे बख्शता नहीं। इसलिए उस ऑफिसर को कहो कि मेरे घुटनों पर गिर कर रिक्वेस्ट करे, तब मैं कुछ सोचूंगा। इसके बारे में आपका क्या विचार है? जो मरने जा रहा है उसके खिलाफ कोई आफत की बात कहे तो उसे जान से मार देने के बराबर है।
दिन गरीबों का खून चूसने वाले जानवरों को मारने का दिन है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन है। आप लोगों ने जो सफर शुरू किया था उसकी मंजिल करीब आ गई है। आप लोग अगर 100 साल बाद भी लौटकर रंजा कोटे में आएंगे तब भी आपको वही पुराना सम्मान मिलना चाहिए। आज आप जो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो आपकी कई पीढ़ियों तक काम आएगा। इस एक छोटे से कदम में आपकी कई पीढ़ियों की भलाई छुपी हुई है। अत्याचार के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ, दबाव बनाने वालों के खिलाफ ये जंग जो आज शुरू हो रही है उसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ना काफी है, और ज्यादा की उम्मीद मत रखना। हमें जिसका इंतजार था वो दिन कल है। हम जब आगे बढ़कर अहंकार से भरे हुए अत्याचारियों का सामना करते हैं तो आंसुओं के लिए कोई जगह नहीं होती। हम अगर डटे रहे तो चाहे कानून ही क्यों ना बदलना पड़े, हमें नंजे कोटे में जगह मिलेगी। कल सुबह होने से पहले हमें उन अहंकारियों को, दबाव बनाने वाले अत्याचारियों को उखाड़ फेंकना है। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। हम पर दबाव बनाने की कोशिश मत करना। हमी ने तुम्हें ऊंचाई पर पहुँचाया है। हमें दबा के रखने की कोशिश मत करना। अमरनाथ हाथ खोलकर सुन लो। हमी ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है। ये सब एक चाल है। अमरनाथ की सारी चाल है। सर सर सर, आपको की जगह पर आपकी पार्टी में डॉक्टर संगीता आ रही है क्या? सर सर सर, साइड हो जाओ, चलो खड़ो। प्रेस मीटिंग होने वाली है, तब बता देंगे। सर प्लीज चेक आउट द इमेजिंग ऑफ डिलीवरी पार्टी विद बीएसडीडी। As of now we don't know that, you know, we are going to have an alliance with BSJD and DYP. Maybe in future we don't know what is going to happen. Okay? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डीएसपी पार्टी की दहशत अब कुछ ज्यादा ही फैलती जा रही है, और उसे रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है यही हमें देखना होगा। सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, तैयार हो जाओ। ये तमिलियन लोग यहां लौटकर वापस नहीं आने चाहिए। बीएसजेडी का विश्वास दिलाना होगा, समझे कि नहीं? हमें दूर से देखते ही छिप जाने वाले और पास आकर सलाह देने वाले हमेशा वफादार रहें तो मुझे अच्छा लगता है। Yeah.
सर, बॉडी को अभी अभी पैक किया है, वो लेकर आ रहे हैं। मैं बीजू, एसआई सर ने आपसे कुछ बात करने के लिए भेजा है। डॉक्टर, आप एमपी बनने का सपना लेकर इस नंजई कोटे में मत रहो। आप ऐसे खड़े रहेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सर के बारे में तो तुम जानती हो, इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ डॉक्टर। बाकी तो इस नंजई कोटे को छोड़कर तेलंगाना कैसे जाना है पता ही होगा। याद रखना, हर पल तुम्हारे ऊपर हमारी नजर है, इस बात को याद रखना। चलता हूँ। बेटी, अमरनाथ के दबाव की वजह से मैंने अप्पू को समर्थन दिया, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो अप्पू के मामले में दुख जताते हुए थोड़ा आंसू बहा लेंगे और क्या। डीवाईएसपी पार्टी का नया अभ्यर्थी कौन होगा, बताएंगे हमें? बताओ इन्हें। डीवाईपी पार्टी की नई अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, मैं तो अपना खुद का कारोबार संभालने जा रही हूँ। थैंक यू। चाची, डरो मत, मैं हूँ। ए सेंदिल, दादी को बोलना, हंसने के लिए बोलना, ये पुलिस वालों ने कुछ तंग किया क्या? मुझे बताओ ना, मैं इनको देख लूंगा। चाची, डरो मत, मैं हूँ। हम में से कोई भी पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा, हम सब लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। उन्होंने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे हमें पूरा करना है, इसके लिए वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। दादाजी, हम लोग निकले क्या? यहाँ वहाँ जो भी लोग हैं वो हमें जीने नहीं देंगे, ये देखकर हम गांव से दूर जाकर बस गए। लेकिन अब जब हम वापस अपने घर लौटकर जाना चाहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तुम लोगों को कमजोर करने की उन लोगों की साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो स्थिति पूरी तरह बदलने वाली है। अमरनाथ चाहे जितनी कोशिश कर ले, आप लोग इस गांव में लौटकर आएंगे ही। तुम लोगों ने ए चाचा, आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। सर, हमारी ऑफिस में मीटिंग चल रही है, इन लोगों के बारे में आप फिकर मत करो, आप अपनी ड्यूटी ठीक से कीजिए। तो अमरनाथ के डर से तुम लोग यहां पे आके छुप गए हो, यही करोगे? कब तक भागते रहोगे? आप लोग देश में कहीं भी रहिए, लेकिन इसके जैसे नेता लोग आपके इर्द गिर्द घूमते ही रहेंगे, तब क्या करेंगे आप लोग? धरती चीर के उसके अंदर छुप जाना। अनीता जी, ये अकेलापन और ये भयानक दर्द आपसे भी ज्यादा हमने महसूस किया है। आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। आप लोगों को किसी भी हाल में नंजई कोटे जाना ही होगा, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हमें रास्ता दिखाने वाला इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम हमें नंजई कोटे जाकर फिर से जिंदगी संवारने के लिए कह रहे हो। मैं जानती हूँ तुम हमारी भलाई चाहते हो, इतने साल हो गए हैं लेकिन आज भी हम अमरनाथ के डर के साए में जी रहे हैं। नंजई कोटे अब भी अमरनाथ के काबू में है, जिसने हमारी भलाई का सपना देखा वो आज इस दुनिया में नहीं। आपके लिए मामूली बात होगी पर हमारे लिए नहीं।
वो चाहता है ना कि मैं उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाऊं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। संजय कोटे का बस एक ही स्वभाव है, जो इस धरती पर गिरते ही विशाल पेड़ बन जाता है। तुम बस एक पौधे हो और मैं एक विशाल पेड़ हूं। ना ही नंजन कोटे बदला और ना ही मैं। हमेशा मेरा रहेगा।
तुम लोगों की कमजोरी इसी में है कि उड़ते ही गिर जाते हैं। जब हम जैसे को गुस्सा आता है तो तुम जैसे मिट जाते हैं। पट्टी से जो लोग भी यहां आ रहे हैं उनके आने तक ये यहीं रहना चाहिए। अब्दुल, उमर की तरह जिसने पाला था उसकी भी ऐसी ही कहानी बन गई।
इनकी जिंदगी में भी अब रोशनी उगने लगी है। अपनी पुरानी तकलीफों को भूलकर लोग अब वापस अपने गांव लौटने लगे हैं। नंजेगोटे का वो दर्दनाक इतिहास आज सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया है। नंजेगोटे में जो अत्याचार हो रहा था उसे रोकने के लिए जिस एक नायक के आने की उम्मीद थी वो नायक आया भी था और शायद वो लौटकर वापस फिर आएगा। नई सोच, नई शुरुआत, नई योजना उस शख्स के आने का ही इंतजार कर रही है। परमिशन ली थी क्या? हर महीने यहां आकर उधम मचा देते हो। यह दौड़ापुरी मेरा इलाका है, यहां से कोई भी बचकर जा नहीं सकता। ऊपर वाला भी मुझसे बचकर नहीं जा सकता। यहां किसे क्या करना है और कैसे जीना है उसका फैसला मैं करता हूं। मुझे मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब कोई मुझसे माफी मांगने आगे आएगा या फिर मैं उसका सर काट दूं। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या?